नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विकी कौशल और सारा अली खान की नई फिल्म जरा हट के जरा बच के बारे में कुछ पांच ऐसे वैलिड रीजंस बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्यों आपको इस फिल्म से थोड़ा हट के और थोड़ा बच के रहना है। भैया, वो आपके पिछले आर के 1 रुपए रह गए थे। अरे पागल, तेरे लिए मौज कर। नहीं भैया, मैं मैनेज कर लूंगा, आप रख लो। पक्का? हाँ पक्का। नंबर 1, नो हुक नो अटेंशन। अक्सर फिल्म जब शुरू होती है या फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म होता है तो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक हुक होना बहुत ही जरूरी होता है, बट यहाँ वो हुक मुझे मिसिंग लगा। मजा नहीं आ रहा है। फिल्म की शुरुआत से लेकर फर्स्ट हाफ खत्म होने पर कुछ फनी और एंगेजिंग मोमेंट्स तो हैं, पर स्टोरी लाइन एक टिपिकल फ्लो में चलती है। नंबर 2, नो हाइज एंड लोज नो इंटरेस्ट। फिल्म में अगर कुछ उतार चढ़ाव हो तो फिल्म काफी इंटरेस्टिंग बनती है, पर इस फिल्म में मुझे वो फैक्टर कुछ हद तक ही दिखा। फिल्म के फर्स्ट हाफ की तरह उसका सेकेंड हाफ भी एक टिपिकल फ्लो में चलता है, जहां आपको कुछ खास हाइज एंड लोज नजर नहीं आएंगे, और इसी वजह से ऑडियंस की अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों कम हो जाती है। नंबर 3, नथिंग न्यू एज एक्सपेक्टेड। फिल्म का बेसिक प्लॉट तो इंटरेस्टिंग है, जहां एक मिडिल क्लास कपल अपना खुद का घर लेने के लिए नकली डिवोर्स करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। डिवोर्स, तलाक, तलाक। फिल्म कुछ कुछ जगहों पर ऑडियंस को फनी और मेमोरेबल सीन से एंटरटेन करती है, बट ओवरऑल पब्लिक को पता चल जाता है कि आगे स्टोरी में क्या होगा या क्या होने वाला है, इसलिए ये फिल्म आपको कुछ नया नहीं दिखाने वाली। प्लस जो भी कुछ दिखा रहे हैं उनको देखकर एज एक्सपेक्टेड वाली फीलिंग जरूर आएगी। एज एक्सपेक्टेड। नंबर 4, जरा हटके जरा बचके क्लाइमैक्स भी नहीं हटके। किसी भी फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि ऑडियंस एंड में क्या लेकर जाती है। बट इस फिल्म की सिर्फ स्टोरी ही नहीं बल्कि क्लाइमैक्स भी टिपिकल एंड प्रेडिक्टेबल है। मूवी खत्म होने के 15-20 मिनट पहले ही आपको पता चल जाता है कि इसकी एंडिंग क्या होगी। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। नंबर 5, परफॉर्मेंसेस अच्छी पर बाकी सब इतना नहीं। विकी कौशल, सारा अली खान और बाकी सब की परफॉर्मेंसेस अच्छी और इंप्रेसिव है। फिल्म की स्टोरी राइटिंग थोड़ी वीक है, डायरेक्शन और अच्छी बन सकती थी, और म्यूजिक एक मिक्स्ड बैग की तरह है, जहां कुछ गाने अच्छे हैं तो कुछ ठीक ठाक है। व्हाइल बैकग्राउंड स्कोर इज गुड, एडिटिंग इज नीट एंड क्लीन, तो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के अलावा बाकी सब एवरेज कहा जा सकता है। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वैलिड reasons, जरा हटके जरा बचके से आप थोड़ा हटके और थोड़ा बचके रह सकते हो। ऑन द होल फिल्मी अक्की के मुताबिक इस फिल्म को आप एक बार देख के एंटरटेन हो सकते हो, बट टीवी या OTT पर देखना बेहतर होगा।